हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2022 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI बैंक के क्लेरिकल एग्जाम के नोटिफिकेशन का स्टेटस। क्लेरिकल एग्जाम को जूनियर एसोसिएट भी कहा जाता है। सो इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब इसकी डेट्स हैं, एग्जाम कब होंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिछले साल के हिसाब से क्या क्या फैक्ट्स थे जो आपको इसके बारे में जानने जरूरी हैं। साथ के साथ इसकी प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और साथ के साथ मैं आपको एक स्पेशल अनाउंसमेंट जो इस एग्जाम से रिलेटेड है वो भी बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी अभी IBPS PU या क्लेरिकल मेंस आने वाला है। IBPS PU आपका 22 जनवरी को है और IBPS क्लर्क का जो एग्जाम है वो 25 जनवरी को है। तो जिनका भी प्री क्लियर हुआ और मेंस के लिए जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट, मेनी कांग्रेचुलेशंस। तो इसके लिए आपको फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नाउ अगर किसी का भी इसमें प्री क्लियर नहीं हुआ तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी में आप लग जाइए। और जल्दी रिजल्ट लेने के लिए आप हमारे बेस्ट एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास पी और क्लर्क दोनों के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं SBI क्लर्क 2022 का जो नोटिफिकेशन है, इसका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ये आएगा मई एंड में इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम डेट्स की। तो इसके जो प्री की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो है 9 जुलाई 2022। अगर मेंस की बात करें तो मेंस के एक्सपेक्टेड जो एग्जाम डेट है वो है 27 अगस्त 2022। तो यानी कि आपके पास अभी 6 महीने से भी कम टाइम बचा है इसकी प्रिपरेशन में। अगर हम पिछले साल का ट्रेंड देखें तो आप उससे भी आप ये चीजें निकाल सकते हैं। एक और चीज, कई बच्चे सोच रहे हैं कि हमें इसकी तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, जो पिछले साल पैटर्न था उसी हिसाब से, या फिर इस साल जो NRA CET आने वाला उस हिसाब से करनी है। तो देखिए, NRA CET का इम्पैक्ट इस पेपर पे नहीं आ रहा। बेसिकली इस साल उसके इफेक्ट आने का बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आपको पता होगा SSC का कैलेंडर आ गया है, उसके अंदर NRA CET का रोल अभी तक नहीं है। और IBPS का भी अगर आपने देखा हो तो एक काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है IBPS का कैलेंडर, हालांकि वेबसाइट पे नहीं आया है। अगर वो फेक भी है तो भी जल्दी ही IBPS का नोटिफिकेशन, IBPS का एक पूरे साल का कैलेंडर जल्दी ही वेबसाइट पे आने वाला है। तो IBPS भी इस बार NRA CET जो है इसके अंदर नहीं हो रहा है। तो इट मींस आपका साफ साफ क्लियर है कि इस साल जो भी एग्जाम है वो सारे जैसे पिछले साल होते थे वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी नई चीज आती है उसको अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र होके SBI क्लर्क की पुराने पैटर्न पे जो आया था उसी पे ही तैयारी आप करिए। एंड आपको अराउंड आइडिया मिल गया है मई एंड में इसका नोटिफिकेशन आएगा। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं पिछले साल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या क्या था, तो 2021 में जब SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आया तो उसमें क्या चीज थी। पहले तो जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे वो 27 अप्रैल से स्टार्ट हो गए थे, तो वो अप्रैल एंड में आपका पिछले साल आया था। और इसका जो एग्जाम होना था वो जून के अंदर जो है इसका एग्जाम होना था, और जुलाई के अंदर मेंस एग्जाम होना था। प्री एग्जाम जो है वो जून में होना था, मेंस का जो एग्जाम है वो जुलाई में होना था। अब मैंने आपको बताया कि इस बार आपका जो है वो मई एंड में पेपर आएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो प्री की जुलाई की हो गई है इस बार, और मेंस की जो डेट्स हैं वो आपकी अगस्त में जा रही हैं। तो उस हिसाब से अप्रैल एंड की बजाय अब जो पेपर आएगा, अब ये जो नोटिफिकेशन आना चाहिए वो मई एंड के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि ये जो डेट्स मेंशन यहाँ पे पिछले साल की गई थी, इस डेट को पेपर नहीं हुआ था, पेपर पोस्टपोन हो गए थे ड्यू टू कोविड, ठीक है। तो प्री एग्जाम जो था वो एक्चुअली 10 से 13 जुलाई तक चला था, 4 शिफ्ट के अंदर 4 दिन तक ये एग्जाम चला था, जून में नहीं हुआ था।
ऐसे ही अगर मेंस की बात करें, जो 31 जुलाई को होने वाला था वो फिर 1 अक्टूबर को हुआ था, तो कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हुए थे। इस बार चांसेस नहीं है, इस बार जो कोविड की वेव आई है, थर्ड वेव, अभी उसके मुताबिक कोई भी एग्जाम पोस्टपोन ज्यादातर नहीं हो रहे हैं, तो अभी पोस्टपोन होने के चांसेस कम है। मतलब जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आपको लगभग यहाँ पे 40 डेज के आसपास का टाइम मिलेगा प्री का, और उसके बाद आपको आगे 1 मंथ और मिलेगा मेंस एग्जाम के लिए। पिछले साल जो वैकेंसी आई थी वो 5500 के आसपास आई थी, इसमें 5000 आपकी रेगुलर वैकेंसी थी और अराउंड 454 आपकी बैकलॉग वैकेंसी थी। तो 5500 वैकेंसी इस लास्ट ईयर में आई थी, उससे पहले वैकेंसी 8000 थी, तो ये वैकेंसी यहाँ पे कम हुई थी। सो लेट्स सी कि इस बार कितनी आती है। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी परसेंटेज बार नहीं होता। एसबीआई क्लर्क कोई भी स्टूडेंट भर सकता है जो बस ग्रेजुएट हो। एनी ग्रेजुएशन विल वर्क, चाहे आप बीए हैं, बीकॉम है, बीएससी है, कोई भी चलेगा। देर इज नो परसेंटेज बार। इसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट होती है, मिनिमम एज लिमिट जो है वो 20 है और मैक्सिमम 28 है। नाउ अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे प्री होता है और मेंस होता है, दो एग्जाम होते हैं। तो प्री के अंदर क्या होता है, तीन सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स, एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीन सेक्शन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के लिए, और आपको 1 आवर का टाइम मिलता है। लेकिन ये टाइम सेक्शनल होता है, हर सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट ईच मिलते हैं। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में 30 होते हैं, मैथ्स और रीजनिंग में दोनों में 35-35 होते हैं। तो मार्क्स भी आपके इंग्लिश के 30 हो गए, मैथ्स और रीजनिंग 35-35 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका प्री का सेक्शन है। इसके बाद जब मेंस आता है, तो मेंस में ये तीनों सब्जेक्ट आपके फिर से आते हैं। आपको यहाँ पे जनरल इंग्लिश मिलता है, क्वांट भी आपको फिर से मिलता है, और रीजनिंग एबिलिटी भी मिलता है। इसके अलावा जो फोर्थ सेक्शन आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा एडेड है, वो आपका जनरल अवेयरनेस है एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है। ये बेसिकली पूरा करंट अफेयर से भरा होता है, ये आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ पे देखिए, रीजनिंग एबिलिटी के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी लिखा है, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, ये रीजनिंग में ही होता है। रीजनिंग में एक टॉपिक होता है, एक तरह से इनपुट आउटपुट, उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर एप्टीट्यूड। अलग से कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे चार सेक्शन पढ़ने हैं। जीए 50 मार्क्स का आएगा, 50 क्वेश्चन, इंग्लिश 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग 50-50 ईच। आपको यहाँ पे सेक्शन टाइम मिलेगा, जीए और इंग्लिश थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, तो उसमें आपको 35-35 मिनट मिलेंगे, जबकि मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो 45-45 मिनट मिलेंगे। तो टोटल 190 क्वेश्चन करने के लिए आपको 200 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, और टोटल 2 घंटे 40 मिनट मिलेंगे, यानी कि 160 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो सेक्शनल टाइमिंग जो है वो यहाँ पे रहेगी, जिसका आपको खास ध्यान रखना है। देखिए, ये दो एग्जाम है जो यहाँ पे होते हैं, जिसकी आपको तैयारी करनी है। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं इनकी लगभग कट ऑफ कितनी जाती है। तो पिछले साल जो इसकी कट ऑफ गई थी वो देख लेते हैं। तो पहले प्री की बात कर लेते हैं। एसबीआई क्लर्क प्री की जो कट ऑफ गई थी, मैं आपको बता दूं कि ये जो कट ऑफ जाती है वो स्टेट वाइज जाती है, ठीक है, और वो भी कैटेगरी वाइज, जो भी आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आपकी ये कट ऑफ होती है। सो अगर आप देखें, अंडमान निकोबार में जो कट ऑफ थी वो 66.25 थी। आपको याद होगा प्री का पेपर आपका 100 मार्क्स का आता है, तो 100 में से ये कट ऑफ है। अरुणाचल प्रदेश की आप देख सकते हैं 69.25, असम की 68.5। तो ऐसे आप देखेंगे किसी किसी में आपको दिख रहा होगा 65, कहीं पे 75, कहीं पे 80 भी जा रही है। अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश में 80.25 है, हरियाणा में भी लगभग 80 के आसपास है। तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ ज्यादा ही रहती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, बहुत सारे स्टेट हैं बाकी जिनमें आपकी ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। कर्नाटक में लेट से 64 है, उड़ीसा में दिख रही है कि सबसे ज्यादा है 82, 82 ही एमपी में भी है लगभग। तो इस टाइप से आपको 82 वाले भी यहाँ पे कुछ कट ऑफ दिख रहे हैं, जो 80 से भी ज्यादा कट ऑफ है। तो आपको आपके स्टेट के हिसाब से उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है।
100 में से कुछ स्टेट में ये कट ऑफ 80 भी जा रही है, आप देख सकते हैं। कुछ स्टेट में 65 भी है, कुछ में 70 भी है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी यहाँ पे करनी पड़ेगी। बेटर ये होगा कि आप अपना जो सेफ टारगेट है वो वहां पे 85 लेके चले, तो आप सेफ साइड में रहेंगे किसी भी स्टेट में। नाउ एक और बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे प्री में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, आपको ये टोटल मार्क्स लाने होते हैं। तो अगर आपने किसी एक सेक्शन में थोड़े कम नंबर भी ले आए तो भी चलेगा, लेकिन टोटल आपको इतने लाने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपकी कट ऑफ आप देख सकते हैं कि 80 के आसपास है, तो डेफिनेटली आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों में ही अच्छा होना पड़ेगा, तभी आप इतने अच्छे नंबर ला सकते हो। नाउ अब बात करते हैं मेन सेक्शन की। तो मेंस के अंदर जो कट ऑफ रहती है वो काफी कम रहती है एज पर मार्क्स। अगर आप देखें मार्क्स आपके यहाँ पे 200 थे, लेकिन कट ऑफ जो है वो जनरली 100 के आसपास रहती है, उससे कम ही रहती है नॉर्मली, क्योंकि जो मेंस होता है उसका पेपर कंपैरेटिवली काफी टफ आता है। अगर प्री की बात करें तो प्री का लेवल आपको इजी और मॉडरेट मिलेगा, लेकिन जब आप मेंस की बात करते हो तो वहां पे आपको क्वेश्चन मॉडरेट और काफी क्वेश्चन जो है वो लेंथी मिलेंगे, डिफिकल्ट भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे अंडमान की कट ऑफ आप देख सकते हैं 86.25, असम की आप देख सकते हैं 88, कहीं पे आपको 97, 99 भी दिखेगा, आप देख सकते हैं दिल्ली में 99, हिमाचल में भी 99, तो आपको 100 के आसपास भी देखने को मिलेगा। ऐसे अगर आप एमपी में देखें तो 97.5, तमिलनाडु में 90.5, वेस्ट बंगाल में 95, तो ये क्लोज टू अगर आप देखें तो 90 to 95 के बीच में ज्यादा रेंज कर रही है, कहीं कहीं पे 95 से भी ज्यादा है। सो स्टूडेंट्स, ये था इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कट ऑफ के बारे में आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। नाउ इस पेपर को आपको मिस नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं तो ग्रेजुएट हूं तो मैं क्लेरिकल का पेपर क्यों दूं, ऐसा बहुत सारे बच्चे सोचते हैं। इवन बच्चे ये सोचते हैं कि मैं तो पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए ही जाऊंगा, बिकॉज मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मुझे ऑफिसर बनना है। ठीक है, तो बच्चे इसलिए क्लरिकल का फॉर्म भरते ही नहीं है। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है अभी कि आप क्या बने। पहले आप एक चॉइस लेके आइए कि आपके सामने पीओ बनने का भी ऑप्शन है, आपके सामने क्लर्क बनने का भी ऑप्शन है, आप उसमें से क्या बनेंगे। ठीक है, पर पहले आप इस लेवल पे पहुंचिए। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि मैं क्लरिकल का पेपर नहीं भरूंगा, लेकिन एक्चुअली में वो इस पेपर को क्रैक करने के लायक नहीं होते हैं। मतलब उनकी प्रिपरेशन क्लेरिकल को पार करने के लेवल की भी नहीं होती, और वो जनरली बोलते हैं कि मैं ये पेपर का फॉर्म भरूंगा ही नहीं बिकॉज मुझे पीओ बनना है। तो ऐसा नहीं करिए, पहले आप वो अपॉर्चुनिटी लेके आइए, आप क्लेरिकल का पेपर क्लियर करिए, आप पीओ का पेपर क्लियर करिए। अगर दोनों पेपर सामने हैं, दोनों क्लियर कर लिए हैं, आपको ज्वाइन करना है, तब आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे पीओ में जाना है। अभी आपके पास जॉब नहीं है, आपने कुछ अचीव नहीं किया, तो अभी से ही आप अपॉर्चुनिटी गवाइए मत। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है क्लेरिकल की या ऑफिसर की, वो सारी आप अप्लाई जरूर करिए। नाउ इस एग्जाम की और भी खास बातें हैं जिसकी वजह से आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। पहली बात, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एसबीआई है, स्टेट बैंक अपने आप में एक ब्रांड है। किसी भी बैंक के मुकाबले आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है, तो इसकी बात अलग है। सेकेंड, इस पेपर में कोई डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं होता है। नॉर्मली किसी भी क्लेरिकल पेपर में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जनरली नहीं पूछा जाता है, तो ये अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, एसे, लेटर, प्रेसी, नॉर्मली ऑफिसर लेवल में वो आता है। थर्ड, आपका यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि मैं इंटरव्यू कैसे फेस करूंगा, तो देर विल बी नो इंटरव्यू, नो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, नो इंटरव्यू। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका जो पेपर का लेवल होगा वो कम डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू पीओ। तो पीओ में आपका जो लेवल होता है वो इससे काफी ज्यादा हार्ड होता है, तो उस हिसाब से आपके लिए ये निकालना थोड़ा आसान होगा। एंड अगर आप क्लेरिकल से किसी और बैंक से कंपेयर करोगे, आईबीपीएस जो बाकी बैंक के लिए क्लेरिकल पोस्ट के लिए भी पेपर निकालता है, उससे कंपेयर करोगे तो यहाँ आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, राइट।
इसके अलावा मैंने एक पॉइंट आपको और बताया था कि इस पेपर में सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं होती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। प्री में तो देखिए काफी कट ऑफ जाती है, लेकिन अगर आप मेंस के बारे में सोचें कि 200 में से आपको 90 लाने हैं, तो वहां पे आप किसी एक सेक्शन में कम भी लेके आ सकते हैं, तो भी अगर आप इतने नंबर ले आते हैं तो आपका काम चल सकता है। मतलब किसी एक सेक्शन में अगर आप वीक भी हैं, स्पेशली मेंस में, तो भी आप ये नंबर ला सकते हैं बाकी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके। यहाँ पे प्री में भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है और यहाँ पे मेंस में भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, सो दैट इज ऑल्सो ए प्लस पॉइंट इस पेपर को क्रैक करने का। इसकी सैलरी भी देख लेते हैं, तो SBI क्लर्क का जो पे स्केल होता है, जो बेसिक पे होता है, वो 19,900 है बेसिक पे, वैसे तो 17,900 है, प्लस इसमें दो एडवांस इंक्रीमेंट जो 1,000 वाले हैं, यानी कि 2,000 उसमें और ऐड हो जाता है, तो 19,900 बेसिक पे है। इन हैंड जो सैलरी पड़ती है वो क्लोज टू आपको 29-30,000 के आसपास पड़ती है, सो इट्स ए वेरी गुड सैलरी। ग्रेजुएशन बेसिस पे आप एक ब्रांड में जा रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी ले रहे हैं, IBPS क्लर्क से अच्छी सैलरी ले रहे हैं, तो ये आपको जरूर इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। नाउ मैंने आपको बताया था कि जो इसका टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो आपकी जुलाई में है, प्री की आपके पास 6 मंथ भी नहीं बचे हैं, तो जो लोग अभी सिंसियरली तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये एग्जाम को अपना टारगेट बनाइए, और 5.5 महीने में भी आप इसकी बहुत बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन तैयारी करने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, और ऐसे फैकल्टी चाहिए जो आपसे बात कर सकें, आप उनके साथ कनेक्ट हो, आप उनसे डाउट्स ले पाओ और वो आपकी हर जगह पे हेल्प करें। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए वी हैव लॉन्च स्पेशल SBI क्लर्क एक्सक्लूसिव कोर्स। जी हाँ, SBI क्लर्क एक्सक्लूसिव कोर्स SBI क्लर्क के लिए लॉन्च हो गया है। इसका डेमो जो है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। अभी बात करते हैं कि इस स्पेशल कोर्स के अंदर क्या-क्या है, क्या-क्या फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। एक चीज बता दूं कि ये फीचर्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, ऐसी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी जो यहाँ के एक्सक्लूसिव कोर्स में मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ 101 आपके सेशंस होते हैं, मतलब आपको काफी सारे 101 इसके अंदर मिलते हैं जिसमें आप अपने फैकल्टी से बात कर सकते हो। आपके मन में डाउट है, आप कैसे प्रिपरेशन करें, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम देखिए क्लासेस के अंदर तो डाउट्स पूछते ही हैं, लेकिन 101 जो आपकी बात होती है ये एक अलग लेवल की होती है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि फैकल्टी बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं तो वो आपको एक बहुत बेहतर तरीके से गाइड करते हैं। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे मिलता है मॉक टेस्ट एनालिसिस। इसका मतलब आपके कुछ टेस्ट होंगे, जैसे प्री का भी एक टेस्ट होगा और मेंस का भी एक टेस्ट होगा जो आपका एनालाइज कराया जाएगा फैकल्टी के द्वारा, तो वो मॉक टेस्ट में आपने कैसे परफॉर्म किया वो भी आपका 101 करवाया जाएगा, तो दिस मॉक टेस्ट एनालिसिस इज आल्सो 101। एंड इसी के बेसिस पे आपको एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान बना के दिया जाता है, तो यानी कि आपको 101 गाइडेंस मिलती है, 101 आपका मॉक टेस्ट एनालिसिस भी होता है और आपको पर्सनलाइज स्टडी प्लान भी मिलता है। इसके अलावा एक स्पेशल सपोर्ट रहता है मेंटर का, तो मेंटर एक आपको असाइन किया जाता है, यानी कि एक स्पेशल पर्सन होगा आपको असाइन किया जाएगा, आपको उनका फोन नंबर मिल जाएगा, आपको कभी भी आपको कोई डाउट है आप डायरेक्टली उनसे बात करके हमारे तक पहुंच सकते हो, वो भी आपको सारी चीजें बताने में हेल्प करेंगे कहीं भी आपको कुछ डाउट आता है। इसके अलावा आपको वीडियो लेसन मिलेंगे, हजारों क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे 15 टेस्ट प्री के लिए मिलेंगे, आपको 8 मॉक टेस्ट मेंस के लिए मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे और नोट्स वगैरह भी सब कुछ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस बेस्ट एक्सक्लूसिव SBI क्लर्क के ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो वी हैव स्पेशल ऑफर। अभी एनरोल करने पे आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा। दिस इज ओनली फॉर लिमिटेड स्टूडेंट्स एंड दिस ऑफर इज ओनली फॉर लिमिटेड टाइम। ये ऑफर है सिर्फ पहले 100 एनरोलमेंट पे, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा,
तो SBI 20, राइट, SBI 20 इज द कूपन कोड, ये यूज करके आप इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। पहले 100 बच्चों के लिए ही ये ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। बिकॉज ये एक्सक्लूसिव कोर्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे फैकल्टी है उसका बहुत टाइम जाता है, बहुत मेहनत जाती है, इसीलिए आपको ये प्राइजेस भी जो है वो नॉर्मल किसी भी प्लेटफॉर्म से आप देखेंगे तो ज्यादा मिलेगा। बिकॉज इसके अंदर आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिलता है, एक्सपर्ट्स मिलते हैं ऐसे, और वो आपके साथ वन वन बात भी करते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो इस वजह से मैं ये बोलूंगा कि जिस हिसाब से ये क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे दिया जाता है, क्वालिटी मास्टर्स एक्सपर्ट्स आपको दिए जाते हैं, मेंटर दिए जाते हैं, आपका वन वन कराया जाता है, तो उस हिसाब से ये जो एक्सक्लूसिव कोर्सेज हैं ये आपको जरूर लेने चाहिए। बिकॉज आपको क्वालिटी देखनी चाहिए, राइट, क्योंकि आपके पास जो ये मौका है तैयारी करने का ये एक या दो बार ही आता है। क्वालिटी पे आप प्राइस का कॉम्प्रोमाइज मत करिए। सेकेंड, इस स्पेशल कोर्स के अंदर आपकी जो फैकल्टी है वो क्या है वो भी देख लेते हैं। देखते हैं कि आपके कोर्स के फैकल्टी कौन से होंगे। तो सबसे पहले जीए की बात करते हैं। जीए में वी हैव सुशील रगड़े। एवरी वीक सुशील रगड़े सर ये क्लासेस लेते हैं। ही इज एक्स मैनेजर RBI, आप जानते होंगे, तो ये हर वीक क्लास लेते हैं। इसके अलावा रवि मेश्राम सर हर वीक जीए की क्लास लेते हैं। इनके बहुत सारे वीडियोस भी आपको कोर्स के अंदर मिलेंगे, जो कि आपको बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट होता है जीए वो पढ़ने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपने हमारा एक डॉक्यूमेंट सुना होगा, BPedia नाम का हम डॉक्यूमेंट देते हैं, तो उसमें हमारे स्पेशल एक्सपर्ट अमित सर BPedia बनाते हैं। नेक्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग में वी हैव यमन सर, आपने शायद इनकी काफी सारी वीडियोस देखी हो, तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, काफी टाइम से ये रीजनिंग को पढ़ा रहे हैं। एंड वी हैव अंशुल सर। अंशुल सर को 5 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और वो रीजनिंग के काफी अच्छे फैकल्टी हैं। नेक्स्ट इज क्वांट। तो क्वांट में आई एम देयर टीचिंग फ्रॉम लास्ट 13-14 ईयर्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारी ट्रिक्स के साथ हम पढ़ाते हैं। एक और चीज बता दूं स्टूडेंट्स, हम लोग आपका जो कोर्स है उसके हिसाब से आपको पढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया था प्री में जो चीजें आती हैं वो आसान आती हैं और मेंस में जो चीजें आती हैं वो डिफिकल्ट आती हैं, तो हम लोग हमारी जो कोर्स वीडियोस है वो भी इसी हिसाब से डिजाइन करते हैं, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट। आपके जो टेस्ट होते हैं वो भी इसी हिसाब से डिजाइन होते हैं, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट। एंड इवन जो हम क्लासेस लेते हैं मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, वो भी हमारी इजी और डिफिकल्ट लेवल की अलग अलग होती है। तो हमारा बेसिक्स का क्लास अलग से चलता है और डिफिकल्ट लेवल की जो क्लासेस होती हैं, हाई लेवल की न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन है उनके क्लासेस अलग से चलती है। सो ताकि जो बच्चा जिस लेवल पे भी आ रहा है उसको हेल्प मिले। जो बच्चा बिगनर आ रहा है तो वो बेसिक वाली जो क्लास है वहां से ज्वाइन करे, लेकिन जिसने पहले से ही पढ़ रखा है वो सीधा डिफिकल्ट वाली क्लासेस ज्वाइन करे और अपने आप को इम्प्रूव करे। क्वांट के लिए वी हैव ऑल्सो वन एक्सपर्ट नेहा अरोड़ा मैम। इनको भी 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मैथ्स और रीजनिंग का, तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेंगी प्रिपरेशन में। इसके अलावा इंग्लिश के लिए भी है मनाली मैम, 7 साल से ही इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। इसके अलावा भी है अर्नमा मैम, ये भी आपको इंग्लिश में गाइड करती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द बेस्ट कोर्स। अभी आप जब बाय करेंगे ये कोर्स तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, 2 ईयर के लिए आप बाय करना चाहते हैं या 6 मंथ के लिए। 6 मंथ वाला पेपर जो है यहाँ पे टाइम, ये इस साल के एग्जाम को पूरा टारगेट करेगा। आपका पेपर जुलाई और अगस्त में जो होगा उसको भी पूरा पूरे के लिए आप ये वाला बाय कर सकते हैं। अगर ये पेपर पोस्टपोन भी होता है तो हम इसका एक्सटेंड कर देंगे उसी प्राइस के अंदर, तो ये आपको इस पूरे साल के लिए मिलेगा। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप बिल्कुल सिरे से तैयारी कर रहे हैं, नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये वाला ले सकते हैं, क्योंकि इसका ओवरऑल प्राइस आपको कम पड़ेगा 2 साल के हिसाब से, तो ये वाला आप ले सकते हैं। क्योंकि कई बार हमें प्रिपरेशन करने में टाइम लग जाता है, तो एक सेफ साइड पे होने के लिए आप ज्यादा ड्यूरेशन वाला कोर्स भी ले सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा वाला लेना है। तो आई विल सजेस्ट कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर SBI क्लर्क। अगले 6 महीने अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे, अपना 100% देंगे, आप ये पेपर जरूर क्रैक कर सकते हैं। एंड वी विल गिव अवर 100%। बाकी आपको पेपर लिखना है तो मेहनत आपको करनी होगी, आपको बेस्ट एक्सपर्ट ढूंढने होंगे और वो आपको एग्जाम भी पे ही मिलेंगे। सो
अगेन यू कैन यूज SBI 20 इन कोर्सेज पे, आपको 20% ऑफ मिलेगा. दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट 100 एनरोलमेंट स्टूडेंट्स. इसके अलावा अगर आप आरबीआई, सेबी, नाबार्ड जैसे रेगुलेटरी बॉडी के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो वी हैव स्पेशल कोर्सेज फॉर देम एंड उस पे अभी 38% ऑफ चल रहा है सिर्फ कॉम्बो कोर्सेज पे. और अगर आप ESIC, UDC जो आगे एग्जाम आने वाला है इसका कोर्स लेना चाहते हैं तो उस पे 40% ऑफ चल रहा है. तो आप हमारे यहाँ पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं. सारे के सारे मॉक टेस्ट आई एग्जाम भी पे फ्री है, तो जरूर प्रैक्टिस करते रहिए. एंड हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 9205524028, इस पे आप कॉल कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपका SBI क्लर्क या किसी भी और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखिए, आई विल ट्राई टू आंसर इट. एंड स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन. थैंक यू.